बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, जानवरों को कुछ पता लगेगा उससे पहले ही वो मर जाएंगे, इंसानों के पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा, और धरती पर जो भी सेफ और सुरक्षित जगह बची होगी उसके लिए जंग शुरू हो जाएगी। ये सब चीजें सच हो जाएंगी अगर अंटार्कटिका, जो कि धरती पर सबसे ठंडी जगह है, वहाँ की सारी बर्फ पिघल जाए। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट पिछले कई सौ सालों से इस कॉन्टिनेंट को लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उनको लगता है कि आज से लगभग 90 मिलियन साल पहले यहाँ पर भी हरियाली और लाइफ थी। पर क्या होगा अगर अब ये सारी बर्फ पिघल जाए और अंटार्कटिका फिर से हरा भरा हो जाए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका हम पर क्या असर होगा। तो 2017 में साइंटिस्टों ने ड्रिलिंग की मदद से अम्यूनसन सी की सतह से मिट्टी का एक सैंपल निकाला, और इसमें जो था उसने साइंटिस्टों को भी हैरान कर दिया। बाद में कंप्यूटर टोमोग्राफी से पता चला कि इसमें जंगल की मिट्टी है जिसमें फूल लगते थे, और इनकी जड़ों को अभी भी इस मिट्टी में देखा जा सकता था जो कि 90 मिलियन साल पुरानी थी, जिससे पता चलता है कि 90 मिलियन साल पहले यहाँ पर भी बर्फ नहीं बल्कि अमेजोन की तरह एक बड़ा जंगल था। और फिर आया धरती का हॉटेस्ट पीरियड जहाँ पे गर्मी बहुत ही ज्यादा थी और सभी जगह आग लगी हुई थी। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि अंटार्कटिका शुरुआत से ही ऐसा था जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही थी, पर अब लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल था जो कि उस हॉट पीरियड में खत्म हो गया जब धरती में चारों तरफ आग लगी हुई थी। अंटार्कटिका आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। उस टाइम यहाँ पे एस्ट्रॉइड गिर रहे थे और एक्टिव ज्वालामुखी भी थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल था जिसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए एस्ट्रॉइड और ज्वालामुखी के फटने से फैली आग जंगल में बहुत तेजी से फैली, और जो भी जानवर पानी के बाहर थे तुरंत मर गए। 2013 और 2015 की रिसर्च में पता चला कि यहाँ के पानी में मोसासोरस रहते थे जो कि एक डायनासोर की प्रजाति थी जो कि छिपकलिया रेप्टाइल्स की तरह दिखते थे। साइंटिस्टों का मानना है कि ये छोटी मछलियों, पक्षियों और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों को खाते थे, और कभी कभी दूसरे मोसासोरस को भी खा जाते थे, और ये सब इनके फॉसिल्स या आप कंकाल बोल सकते हो उन पे मिले दांतों के निशानों से पता चलता है। पर इनके साथ ही कुछ बड़े क्रीचर्स का भी पता चला है। 2019 में साइंटिस्टों को यहाँ पर एक अननोन क्रीचर का फॉसिल मिला। हालांकि ये कंकाल पूरा नहीं था, पर साइंटिस्टों को इसको देखते ही पता चल गया कि ये एक आर्कोसोरस था जो कि देखने में मगरमच्छ या डायनासोर की तरह लगता था पर बहुत ही डरावना था। पर फिलहाल ये मर चुके हैं तो डरने की जरूरत नहीं है जब तक कोई पार्क वाले अपने पार्क का नाम जुरासिक रख के डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू ना कर दें। पर अब सवाल ये आता है कि अभी के टाइम पे इतनी ठंड में वहाँ पे कौन से क्रीचर्स रहते हैं। 2021 में बर्फ का छोटा सा टुकड़ा अंटार्कटिका से अलग हो गया जो कि लगभग दिल्ली शहर से थोड़ा सा बड़ा था, और साइंटिस्टों ने जहाँ से ये टुकड़ा अलग हुआ था वहाँ पे कैमरास लगा दिए, और वहाँ पर साइंटिस्टों को कुछ क्रीचर्स दिखे। इनमें से ज्यादातर एनिमल्स थे जो कि चट्टान और अंटार्कटिका के बॉटम से चिपक कर बैठे थे और बैक्टीरियास खा के जिंदा थे। साइंटिस्टों ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें यहाँ पे ये मिलेंगे क्योंकि धरती पर जहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड और डार्कनेस होती है वहाँ पर ये होते हैं। पर उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखा जिसे देख के वो हैरान हो गए। वहाँ पे उन्हें स्टारफिश, सेलफिश, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और यहाँ तक कि ऑक्टोपस भी दिखे जिन्हें जिंदा रहने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, और सनलाइट बर्फ के आर पार नहीं जा सकती, फिर भी ये 1000 सालों से वहाँ जिंदा थे, और ये साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। पर हमें अंटार्कटिका में हो रहे बदलावों से क्या खतरा हो सकता है, तो ये कोई पेंट या फोटोशॉप नहीं है बल्कि अलगई है जो कि अंटार्कटिका की बर्फ पे उग रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे एक पूरी तरह से नया इकोसिस्टम बन रहा है लगातार बढ़ रहे टेम्परेचर की वजह से। पहले साइंटिस्ट कहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग का अंटार्कटिका पे कोई भी असर नहीं होगा, पर अब लगता है कि बाकी धरती के मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इन प्लांट्स के उगने से यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से चेंज हो जाए जिससे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिससे अंटार्कटिका में जो जानवर रहते हैं उनका वहाँ सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो सभी मर जाएंगे। और साथ ही ये पूरी दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा क्योंकि पिघली हुई बर्फ महासागरों में जाएगी और
पूरी धरती पर पानी का लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा। इससे पानी से नजदीक सभी शहर पूरी तरह से डूब जाएंगे और बाकी सभी जगहों पर सुनामी आ जाएगी। अगर तुम कभी मैप देखो तो तुमको पता लगेगा कि कितने सारे शहर समुद्र के पास है और वहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं। और अंटार्कटिका सिर्फ एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं और इसकी बर्फ के अंदर करोड़ों साल पुराने डेडली वायरसेस और बैक्टीरियाज भी हैं, जो बर्फ के पिघलने के बाद पानी के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स वायरस, जो कि रशिया में 2016 में फैल गया था, जिसका कारण था टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंटार्कटिका से एक बर्फ के टुकड़े का रशिया पहुंचना, जिसके फैलने की वजह से वहां पे हजारों लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कोई भी वहां पे इस वायरस के लिए प्रिपेयर नहीं था और ये पिछले कई सौ सालों से नहीं देखा गया था। इसकी बर्फ के नीचे मौजूद वायरसेस बहुत ही ज्यादा डेडली और खतरनाक हो सकते हैं, और अगर पूरा वर्ल्ड पानी में डूब गया तो बची हुई जगह के लिए वॉर शुरू हो जाएगी। इसलिए फिलहाल अंटार्कटिका धरती और धरती पर मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर ये पिघल गया तो ज्यादातर लोग मारे जाएंगे, और जो बच भी जाएंगे उनके लिए जिंदा रहना और सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बाकी तुम्हारी इस बारे में क्या राय है और क्या तुम इन सब के लिए प्रिपेयर हो, कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।